देखिए बता रहे हैं कि पीएम मटेरियल बोल बोल के उनको जो है भ्रमित करने का जिन लोगों ने काम किया और जिसके चलते वो हमें लगता है कि उनके गोद में जाके बैठे हैं, ये कहीं से भी वैकेंसी हमें लगता नहीं है कि खाली है वहाँ पे दिल्ली में। नरेंद्र मोदी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार है और मुझे लगता है कि भारी मतों से नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बनेगी 24 में। नमस्कार, आप निश फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, जब से बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटा है तब से बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के साथ साथ राजद पर भी हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए जीवन जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या आप लोगों को पता था कि नीतीश कुमार इस तरह से करेंगे? देखिए, हम लोग को तो ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ऐसा करेंगे, क्योंकि जिस भाजपा पार्टी ने उनको जितना आगे बढ़ाने का काम किया उनकी सीट काफ़ी कम थी। अब जानते हैं कि उनकी सीट और भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करके उनको हरी झंडी देकर उनको स्थापित करने का काम किया। इसके पहले भी जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उनकी सीटें कम भी रहीं तो उनको नेता स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो उनको ये बात सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पाले में वो गए हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, यही लालू जी थे। कल तक लालू जी इनको पलटू राम कहते थे और पलटू राम जो इनका नाम देने का काम किया है और उनके पास जाके बैठ गए, ये बात उनको सोचना चाहिए। तो बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था और जिस तरह की व्यवस्था पैदा की थी यहाँ पे, तो सब देख रही है। हमें लगता है कि इसका असर लोकसभा में दिखाई पड़ेगा और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है भारी बहुमत से बनेगी। जी बिल्कुल, क्या लगता है मुख्यमंत्री जो है केंद्र की राजनीति भी करेंगे? देखिए बता रहे हैं कि पीएम मटेरियल बोल बोल के उनको जो है भ्रमित करने का जिन लोगों ने काम किया और जिसके चलते वो हमें लगता है कि उनके गोद में जाके बैठे हैं, ये कहीं से भी वैकेंसी हमें लगता नहीं है कि खाली है वहाँ पे दिल्ली में। नरेंद्र मोदी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार है और मुझे लगता है कि भारी मतों से नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बनेगी 24 में। और जितनी बहुमत अभी है वर्तमान में, हमें लगता है कि उससे ज़्यादा बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, ये मेरा मन कहता है। जी जी, आप लोग अब विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, कैसे निभाएंगे? देखिए, विपक्ष हमेशा विपक्ष की भूमिका में जो भी रहते हैं वो जनता के मुद्दों को हमेशा उठाने का काम करते हैं। ऐसे भी आप देखिए कि जितने भी मंत्री बिहार सरकार के थे वो कहीं ना कहीं मतलब उनको महसूस हो रहा था कि वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फाइलों को ठीक से मतलब जो है उनको उनके काम करने से रोका जा रहा था। तो हमें लगता है कि लोग अब जनता में जाएंगे और सारी बातों को बताएंगे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा था। मुझे लगता है कि अब विपक्ष की भूमिका में जो बिहार में है, बिहार में विपक्ष की भूमिका सही रूप से जो निभाने का काम करेगा बीजेपी। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने अभी दावा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, क्या उस पर खरे उतरेंगे? तेजस्वी जी ने चुनाव के पहले वादे किए थे कि 24 घंटा के अंदर मैं पहला अपना कलम जब चलाऊंगा तो पहली कलम से मैं 10 लाख नौकरी देने का वादा करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी जो है वो देंगे, और यदि नहीं दिए तो ये समझ लिए कि जनता के साथ धोखा है। और ये तो कल के बाद दिखेगा कि जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है कि जनता के साथ न्याय करने का काम किया है। निश्चित तौर पे तो आप सुने थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी नेता जीवन कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम लोगों ने तो यह सोचा भी नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह से हम लोगों के साथ धोखा देंगे। और अब बात रही विपक्ष की, तो बीजेपी बखूबी विपक्ष की भूमिका अदा करेगा, साथ ही साथ जिस तरह से ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, तो वह सपना देखना छोड़ दें। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, धन्यवाद।